ओके अब देखो, तो इसमें हम सबसे पहले क्या सिखा रहा हूँ, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में हम सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, कॉस्ट। कॉस्ट जानने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, थोड़ा एएस। एएस क्या होता है, हर एक को एक जैसा करने के लिए, हर एक जैसा ही करे, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बनाता है, कैश। क्या बनाता है, एएस बनाता है। क्या बनाता है, एएस बनाता है। क्या बनाता है, एएस बनाता है, जो हर एक के लिए एक जैसा हो। अब जैसे ये कॉस्ट हो गया ना, उसके लिए ये एएस क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी एक जैसा बनाने के लिए क्या कराता है, क्लास बाहर वाला भी बंद करके, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को बांटा है। तो किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। क्या बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट या नेचर ऑफ एक्सपेंस के बेसिस पे बांटा है। इसमें हमने कॉस्ट को जो बांटे है ना, तीन टाइप से बांटे। क्या बांटे हैं, तीन टाइप से। एलिमेंट बेसिस से जो बांटे ना कॉस्ट को, तीन टाइप से बांटे। पहले जमाने में कितने टाइप का कॉस्ट होता था, तीन। कोई छोटा सा होता था बिजनेस, ज्यादा बड़ा फैक्ट्री नहीं होता था, तो लोग क्या बनाते थे, जैसे मान लो हमारा समोसा का फैक्ट्री है, तो उसके लिए एक तीन ही चीज था, एक तो मटेरियल। क्या होता था, सबसे पहला मेन एलिमेंट क्या होता था, मटेरियल, जिससे समोसा बनेगा। फिर क्या था, जो बनाएगा, तो लेबर। अब फिर ये मटेरियल लेबर को छोड़ के जो भी चीज होता था उसको क्या बोलते थे, गॉब एक्सपेंस। क्या बोलते थे, एक्सपेंस। तीन चीज था एक्सपेंस। एक्सपेंस में क्या आया, एक्सपेंस का एनी थिंग्स अदर देन मटेरियल और लेबर। क्या आएगा एक्सपेंस में, एनी थिंग्स। सर जी फिर से बोलो ये तीनों। वो फोन आ गया, मैं सुन ही नहीं पाई कुछ। कह रहा कि ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट क्या आता है, हम कॉस्ट को जो बांटते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट या नेचर ऑफ एक्सपेंस। एलिमेंट के बेसिस पे कॉस्ट को तीन भाग, या तो कॉस्ट में क्या हो सकता है, कोई चीज बनाने का कॉस्ट में मटेरियल लगेगा, क्या लगेगा, मटेरियल, या क्या लगेगा, लेबर। क्या लगेगा, लेबर, जो बनाएगा, जिससे बनेगा वो मटेरियल, जो बनाएगा लेबर। इन दोनों के अलावा कुछ भी होता है, इन दोनों के अलावा कुछ भी होता है, अदर्स थिंग्स, एनी थिंग्स अदर देन, एनी थिंग्स अदर देन मेटेरियल एंड लेबर, उसको हम क्या बोलते थे, एक्सपेंस। पहले जमाना में इतना ही बड़ा कॉस्ट होता था। क्या होता था, कॉस्ट। अगर मान लो हम इसी का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे छोटे लेवल में, तो कैसा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसा होगा। देखो पहले मेटेरियल होगा, एक खर्चा नहीं, मेटेरियल एक खर्चा, फिर क्या होगा, लेबर, फिर क्या होगा, लेबर के अलावा जो भी कुछ आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। तो इस तरह से इतना ही बड़ा कॉस्ट शीट होता था, और इसको हम क्या बोलते थे, टोटल कॉस्ट बोलते थे। क्या बोलते थे, टोटल कॉस्ट। खत्म। ये हमारा टोटल, इन सबको जोड़ दो, ये क्या बन जाता था, टोटल कॉस्ट। ये तो बना दिया, लेकिन इसमें सब चीज समझ नहीं आता। क्या करोगे, ऐसे कॉस्ट शीट जो बनाओगे इसमें क्या होगा, इसमें सब चीज समझ नहीं आ रहा, ढंग से समझ नहीं आ रहा है। ये कौन सा दूसरा कलर ले लेता हूं, ये ढंग से समझ नहीं आएगा, ढंग से डिटेल नहीं है इसमें, ढंग से समझ नहीं आएगा। आगे चल के छोटा था तो बिजनेस चल जाता था, अब बिजनेस थोड़ा थोड़ा बड़ा आने लगा, कुछ चीज समझ नहीं आया, तो फिर क्या कहा आपने, कहा सोचा कि अब एएस को ही थोड़ा बदलते हैं। पहले जमाना में एलिमेंट के बेसिस पे बांटते, फिर थोड़ा जमाना बदला, बिजनेस बड़ा होने लगा, तो कॉस्ट को क्लासिफिकेशन भी अलग वे से करने लगा। दूसरा क्या किया, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बेसिस पे कॉस्ट को बांटने लगा। क्या बांटने लगा, प्रोडक्ट के बेसिस। इसमें बांटा, दो तरह के कॉस्ट होता है, एक ट्रेसेबल, एक होता है नॉन ट्रेसेबल। ट्रेसेबल कॉस्ट किसको बोलते हैं, जो हम ट्रेस कर सके, जो नॉन ट्रेसेबल, जिसको हम ट्रेस नहीं कर। सर समझ नहीं आया, ट्रेसेबल वॉइस कितनी लैग हो रही है, ब्रेक हो रही है। हाँ तो लग रहा है तेरा रोबोट की तरह बोल रहे हो आप। हाँ सर मैं तो वाईफाई चला के बैठी हूँ, यहाँ तेरा आवाज तो क्लियर आ रहा है। अब सही आ रहा है आपका आवाज।
अभी आप बोल रहे हो ना सही आ रहा है पूरा। ओके अब आएगा। दो तरह कॉस्ट, एक होता है ट्रेसेबल कॉस्ट, एक होता है नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। ट्रेसेबल कॉस्ट क्या होता है? जो चीज को हम आइडेंटिफाई क्या करें, ट्रेसेबल कॉस्ट को उसको बोलते हैं आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई इन अमाउंट विथ द प्रोडक्ट आइडेंटिफाई इन अमाउंट विथ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको हम ट्रेसेबल। जैसे कि मान लो ये हमारा स्वेटर है, कोई स्वेटर बनाए या शर्ट बनाए, तो कपड़ा को क्या कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। बटन को क्या कर सकते हो, ट्रेस। तो क्या कहते हैं, ट्रेसेबल है। कुछ चीज उसमें दिख नहीं रहा लेकिन लगा होगा कुछ, जो चीज यानी ट्रेसेबल मतलब जो चीज प्रोडक्ट के साथ दिखता है। मोबाइल फोन ले तो मोबाइल में वो जो मोबाइल का जो कवर है ये सब दिख रहा है, ये ट्रेसेबल है। लेकिन बहुत सारे कट लगता है लेकिन दिखता नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेसेबल। कह रहा है कि द अमाउंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाई विथ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं, लगा तो होगा लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। अब जैसे स्वेटर में या शर्ट में सिलाई का वो धागा चला होगा, अब धागा इतना पतला पतला कहाँ ट्रेसेबल हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा होगा, दिख थोड़ी रहा है लेकिन लगा तो होगा ही। तो ये सब क्या कहलाता है, नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। जो प्रोडक्ट के साथ दिखे मोटा मोटा इजिली आइडेंटिफाई हो जाए ट्रेसेबल, जो प्रोडक्ट के साथ ना दिखे ना समझ पाए, लगा होगा लेकिन दिख ना पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेसेबल। सर और इसको क्या बोल सकते हो कैसे, अब इसी को बांटने के लिए क्या कहते हैं, जो ट्रेसेबल कॉस्ट है तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, यानी डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। सर इसको क्या बोलोगे, वेरी गुड, बता ही सकते हो, इनडायरेक्ट कॉस्ट। नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। दूसरा नाम से इसका क्या नाम होता है, ओवरहेड। ओवरहेड भी बोलते हैं, ऊपरी खर्चा, ऊपरी खर्चा, ओवरहेड भी होता है। अब डायरेक्ट कॉस्ट में सर क्या क्या आता है, डायरेक्ट कॉस्ट में तीन चीज आता है। क्या क्या आता है, तीन चीज आता है, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर, एक क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो, जो स्पेशल कॉस्ट है। अब कोई कस्टमर आपको टेलर में मशीन सिलाने आए, कहा कि मेरा मेरे मेरे शर्ट में 100 जेब बना दो, तो बना देंगे, तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे ऐसे नहीं समझो, कोई आदमी कह रहा है कि मेरे पास मेरे शर्ट में नाम लिख दो मेरा, तो क्या करेगा, अलग से पैसे खर्च होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। कोई स्पेशल खर्चा, क्या डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब स्पेशल खर्चा। इनडायरेक्ट क्या होगा, अब इन सब का इनडायरेक्ट। अब देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम क्या बोलेंगे, ओवरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरहेड। ठीक है, तो सर फिर कॉस्ट शीट कैसे बनेगा, अगर इस टाइप से बनता था तो कॉस्ट शीट को थोड़ा लंबा बन गया, अब थोड़ा डिटेल बनाने लगा। क्या लिखा, पहले डायरेक्ट लेबर लिखा, फिर डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल लिखा, फिर डायरेक्ट लेबर लिखा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा। थोड़ा गलत हो रहा है ना, इसको सही करता हूँ। लिखा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, अब फिर क्या डाला, इनडायरेक्ट यानी ओवरहेड। अब थोड़ा खर्चा बढ़ गया,
इन सबको हम क्या बन करने लगे, टोटल कॉस्ट है हमारा, क्या है टोटल कॉस्ट। उसे जमाने के बाद ऐसा कॉस्ट शीट बनने लगा, इस टाइप से क्या बना लगा, इस टाइप से बनने लगा। फिर जमाना चेंज हुआ और जमाना धीरे धीरे विस्तार होने लगा और ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट बढ़ने लगा, तो फिर से कॉस्ट को क्लासिफिकेशन का टाइम आया, तो फिर कैसे कॉस्ट उतरा, तब क्या कॉस्ट को बांटा डिफरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग। फंक्शन जो जो तो तीन टाइप का फंक्शन होता है, ये तो बचपन से आप लोग सीख रखो। एक होता है प्रोडक्शन, दूसरा क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा क्या होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन जहां फैक्ट्री है, जहां सामान बनता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, क्या बनना है नहीं बनना है उसके बारे में बताता है। सेलिंग क्या होता है, जो दुकान कह सकते हो शॉप, जहां पे हम सामान बेचते हैं, शोरूम है, ये हमारा फैक्ट्री है, क्या है फैक्ट्री है। इसको हम क्या बोलते हैं ऑफिस, ऑफिस है जहां से हम रेगुलेट करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा चीज रेगुलेट को हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सर फिर क्या हुआ, ये दोनों खर्चा यहां से ये ऑलवेज इनडायरेक्टली होगा, क्या होगा ऑलवेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्या होगा इनडायरेक्ट होगा, क्या होगा इनडायरेक्ट, ये भी क्या होगा इनडायरेक्ट ही होगा, ऑलवेज इनडायरेक्ट। ठीक है सर, इसमें दोनों चीज हो सकता है, क्या हो सकता है, इसका दो पार्ट हो सकता है, कुछ चीज डायरेक्ट भी होगा डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सर डायरेक्ट जो इजीली आइडेंटिफाई प्रोडक्ट के साथ हो जाए, डायरेक्ट कॉस्ट किसको बोलोगे, जो प्रोडक्ट के साथ आसानी से पता चल जाए जी कौन कौन सा खर्चा लगा है, वो डायरेक्ट। यानी ऐसे भी सोच सकते हो जो पता सीधे देख के पता लग जाए इतना इतना खर्चा लगा, वो डायरेक्ट। जो देख के नहीं पता लगे उसको हम क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो इसमें डायरेक्ट में क्या आता है, तीन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट में, इसको हम क्या बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, क्या बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। इसको क्या बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसको क्या बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये हमेशा इनडायरेक्ट ही होगा। अब देखो कॉस्ट शीट थोड़ा बड़ा बन गया, क्या बन गया कॉस्ट शीट थोड़ा बन गया, क्या बनाओगे कॉस्ट शीट में, अब थोड़ा कॉस्ट शीट में कैसे बनाओगे, थोड़ा मेरे पास जगह कम पड़ रहा है। यहाँ पे पर लिखोगे डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर होगा प्रोडक्शन ओवरहेड, फिर होगा यानी फैक्ट्री ओवरहेड भी कह सकते हो, ऑफिस ओवरहेड, फिर क्या होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब इन सब को जोड़ोगे तो क्या कहलाएगा टोटल कॉस्ट आएगा, इन सब को जोड़ दोगे तो क्या आएगा टोटल कॉस्ट आएगा। तो अब कॉस्ट शीट थोड़ा बड़ा बन गया, धीरे धीरे करके इसी तरह चेंज हो रहा था, इसी को हम क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अगर इसको रिवाइज करोगे तो हमने क्या सिखा रहा हूँ, कॉस्ट शीट सिखा रहा हूँ यानी कॉस्ट के बारे में सिखा रहा हूँ। तो कॉस्ट शीट ऐसे नहीं बनाते, एएस के अकॉर्डिंग बनाते। एएस क्या था सर, सबको एक जैसा हो उसको एएस बोलते हैं। तो हम ये कॉस्टिंग का एएस वन पढ़ रहे हैं, उसको हम कैश वन बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कॉस्ट को क्लासिफिकेशन करते हैं, सबसे पैसे सबसे पुराने जमाने में बहुत पहले सबको एलिमेंट बेसिस पे करते, दो ही खर्चा लगता, छोटा बिजनेस होता था मटेरियल लगता था लेबर लगता था, इनके अलावा जो भी होता था उसको हम क्या बोलते थे एक्सपेंस। कॉस्ट शीट कैसा बनता था, मटेरियल लेबर प्लस एक्सपेंस को हम टोटल कॉस्ट कह देते थे। अब डिटेल में हमें कोई डिस्कशन मिलता नहीं था, फिर उसको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मानने लगे, क्या बना लगा प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के साथ दिख जाए ट्रेसेबल, जो प्रोडक्ट के साथ ना दिखे नॉन ट्रेसेबल। आइडेंटिफाई अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट उसको हम ट्रेसेबल को, अमाउंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाई विद प्रोडक्ट नॉन ट्रेसेबल। इसमें दो था, एक डायरेक्ट कॉस्ट था और एक इनडायरेक्ट था। ट्रेसेबल हमेशा डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसमें इनडायरेक्ट होता है तो उसको हम ओवरहेड बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन सब के बेस पे हमने क्या बनाया कॉस्ट। फिर और डिटेल में करने लगे,
किसके वजह से, डिफरेंट फंक्शन। तो तीन तरह का फंक्शन होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन यानी फैक्ट्री का खर्चा, और नहीं नहीं प्रोडक्शन कॉस्ट फैक्ट्री का खर्चा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का खर्चा, फिर शॉप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। अब क्या था, प्रोडक्शन का खर्चा में डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ऑलवेज इनडायरेक्ट ही होता है। इन सब को जोड़ के क्या बनता था, कॉस्ट शीट। ये बन गया एएस का बाद। ये एएस क्या चल रहा है, कैश वन। ये अभी तक एक दो और है, उतना डिटेल में जाना, इतने समय कॉस्ट शीट अब बनने स्टार्ट हो सकता है। इतना जान गए तो अब कॉस्ट शीट के बारे में थोड़ा जानने लगे। अब क्या होता है, एक नया चीज और सिखाएंगे, ये क्या है, कंपनी एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट। क्या सिखा रहा हूं, कंपनी का एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट। तो एक्सपेंस क्या होता है, कंपनी का एक्सपेंस तो बहुत सारे चीज हो सकता है, कंपनी का एक्सपेंस बहुत सारे चीज हो सकता है, कंपनी का एक्सपेंस बहुत सारे चीज हो सकता है। तो इसको हटा दूंगा, ठीक है। कंपनी का एक्सपेंस बहुत सारे, जैसे कंपनी का एक्सपेंस में, कंपनी का एक्सपेंस क्या क्या होता है, जैसे बहुत सारे, ये है ये है ये है ये है ये है ये है, इतना सारा एक्सपेंस है, और भी एक्सपेंस की लिस्ट की कमी नहीं होता है, ये सारा एक्सपेंस। अब क्या होता है, अब एक्सपेंस को हम कैटेगराइज करते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ तक का खर्चा है ना, यहाँ तक का खर्चा हम कस्टमर से मांग लेते हैं, दे देता है, क्या करते हैं, कस्टमर से मांगता है दे देता है। ये खर्चा जो कस्टमर से ले नहीं सकते, क्या नहीं ले सकते, कस्टमर से मांग नहीं सकते। जैसे कि अब जैसे मान लो हम समोसा बना रहे, तो हम कहेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल का पैसे दो भैया, तो कस्टमर हमें दे देगा। फिर कहेंगे कि डायरेक्ट लेबर का पैसे दो, दे देगा। डायरेक्ट एक्सपेंस का पैसे मांगेंगे, दे देंगे। कहेंगे भैया प्रोडक्शन ओवरहेड लग रहा है, फैक्ट्री का खर्च चल रहा है, दो। कहेगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लग रहा है, दो भैया। कहेगा कि सेलिंग ओवरहेड लग रहा है, भैया दो। ये सब खर्चा दे देगा। इन सब को जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा, इन सब को जोड़ूंगा, अब इतना जोड़ के कुछ कॉस्ट आएगा, उसका नाम क्या होगा, टोटल कॉस्ट। फिर बोलूंगा टोटल कॉस्ट आ गया। अब टोटल कॉस्ट में से अगर सेल घटा दूं, क्या घटा दूं, सेल घटा दूं, तो क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट आ जाता था, नहीं सीखा था ना। अब ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब क्या है, ग्रोस प्रॉफिट में कुछ खर्चा नहीं लेते थे, अब ये भी खर्चा इसमें से घटा दूं, जो यहाँ जो खर्चा यहाँ, ये खर्चा जो हम नहीं ले रहे थे ना, एक्सक्लूड कॉस्ट, क्या था, एक्सक्लूड था। अब यहाँ के वो सब खर्चा, ये सब खर्चा यहाँ के घटा देंगे, तब जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। यानी नेट प्रॉफिट में सारा खर्चा है, यानी यहाँ तक का खर्चा हम कस्टमर से ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कस्टमर से चार्ज कर सकते हो, ये खर्चा कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, नोट चार्ज टू कस्टमर, कस्टमर से हम नहीं ले सकते। जैसे कि सर कौन सा खर्चा, जैसे इंटरेस्ट पेड की हो, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जरूरत है, लेकिन कस्टमर से थोड़ी मांगो जो भैया मुझे ये पैसे दो, वही बताया था जो एबनॉर्मल लॉस हो गया था, कस्टमर से थोड़ी मांग रहे, लेकिन नेट प्रॉफिट तो कम होगा इससे। तो ये चीज होता है, जो हम कस्टमर से ले सके उसको हम कॉस्ट शीट का पार्ट लेंगे, जो कस्टमर से नहीं ले सकते हैं वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता है। तो यानी हमने क्या सीखना है, ये पूरे कॉस्टिंग में एक चीज हमेशा रिमेम्बर रखना है, ये रिमेम्बर मतलब क्या होता है, याद रखना है, रिमेम्बर करना है क्या, जो कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए स्टडी ऑफ द कॉस्ट that can be charged from the customer। ये गांठ बांध लेना है, कॉस्ट अकाउंटिंग में वही कॉस्ट लेंगे जो कस्टमर से हम चार्ज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। जो चीज कस्टमर से चार्ज नहीं करोगे कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग में वही खर्चा सारा लेंगे
जो कस्टमर से आप मांग सकते हो। नेट प्रॉफिट का पार्ट होगा लेकिन कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। कॉस्टिंग में इस चीज को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये था कैश वन, कैश एलिमेंट ए कॉस्ट शीट के बारे में। अब इसी बेस पे हमें कॉस्ट शीट पढ़ते हैं, ठीक है। कॉस्ट शीट अब पढ़ते हैं।